पुरंजय सिंह लिखते हैं कि आज महसूस हो रहा है कि हम सांसों से संचालित हो रहे हैं। क्या ये चेतना सांसों के भी परे है? क्या सांसें न चलें तो भी चेतना बॉडी माइंड को जीवित रख सकती है? क्या ऐसी कोई स्थिति संभव है? अफसोस के साथ पुरंजय, अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सांसों का जो उपकरण, जो टूल अस्तित्व ने दिया है, वो इस शरीर मन को जोड़ के रखने के लिए उस सेतु को निर्मित किया है। इसीलिए सांसें टूटती हैं, उस सेतु टूट जाता है और ये शरीर मन चेतना का जो अंतर संबंध है वो बिखर जाता है। सांसें कितनी महत्वपूर्ण हैं, देखिए हम उन पर ध्यान नहीं देते ना। बातें देखिए लोग केवल करते हैं, कुदरत हमको समझाना चाहती है। आज भी समझ लें कि जिस चीज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, वहां चंद सांसों के लिए कितना संघर्ष हो जाता है। जो ऑक्सीजन अस्तित्व ने हमको मुफ्त में दे रखी है, हम उसको लेते रहते, हमको कभी पता ही नहीं चलता। फिर उसी ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भर के लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और ऑक्सीजन खत्म करने, मिटाने का हम कोई उपाय नहीं छोड़ते प्रकृति में। इतना पॉल्यूशन कर दो कि ऑक्सीजन लेवल घटता चला जाए, आज उसी ऑक्सीजन के लिए मारा मारी। सांसों के बिना जीवित रहने का कोई उपाय नहीं है। जो पूछा है क्या ऐसा कोई स्थिति संभव, नहीं, कोई स्थिति संभव नहीं है, किसी के पास भी संभव नहीं है। हाँ, कुछ संत महात्मा ऐसे दावेदारी कर सकते हैं कि हम सांसें रोककर और रह लेते हैं, तो ढूंढिए ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसी स्थिति संभव नहीं। बस ये स्थिति हमारे सांसों के मूल्य को बताने के लिए जरूर है, तो उसका मूल्य जानना है। एक एक सांस कितनी कीमती है उसको देखना है, और हम लोग इस हवा को खराब करने के लिए कितने जिम्मेदार हैं ये भी देखना है।